जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फाइनली आप लोगों को पता होगा कि हमारे इंदारा से लेकर और आपका रसड़ा तक जो है ना वो पूरा CRS वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और जो कि स्पीड ट्रायल था वो कि आप स्पीड ट्रायल का वीडियो जो है ना वो देखे थे, जहाँ पे स्पीड ट्रायल जो किया गया था वो 130 किलोमीटर पर आवर पे जो ट्रेन थी वो चली थी, लेकिन मतलब मैक्सिमम जो स्पीड जो मिली है वो 110 ही बस मिली है। 110 पे जो पहले भी उस पर ट्रेन चलते थे, लेकिन अभी भी 110 पे जो है ना वो ट्रेन इस पर चल रही है। तो चलिए फिलहाल आज ना हम लोग यात्रा करेंगे पूरा मऊ से लेकर और बलिया तक यात्रा करेंगे, वो भी नई रेल लाइन पे जो है ना वो हम लोग यात्रा करने वाले हैं आपका इंदारा से लेकर, मतलब जो नई रेल लाइन होने वाली है वो इंदारा से और बिल्कुल रसड़ा तक होगी। लेकिन जो यात्रा आपको मैं जो पूरी जो दिखाऊंगा वो आपको मैं मऊ से लेकर और पूरा बलिया तक जो यात्रा है ना वो शायद फिफना तक जो यात्रा है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए अभी जब ट्रेन आती है तब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि आज जो हम लोग ट्रेन ऑन बोर्ड होंगे ना, यानी आपका अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस में ना अपना जो ट्रेन यात्रा है ना वो करेंगे फ्रॉम मऊ से लेकर और पूरा हम लोग बलिया तक। और बात की जाए इससे अहमदाबाद साबरमती ना की, जो कि अपनी रैक शेयरिंग करती है गोरखपुर अहमदाबाद सुपरफास्ट के साथ और बनारस अहमदाबाद यानी वाराणसी अहमदाबाद के साथ भी जो ट्रेन थी ना वो अपनी RS से यानी रैक शेयरिंग करती है और एक ऑलरेडी दरभंगा साबरमती खुद चलती है। चलिए फिलहाल जब ट्रेन आती है तब मैं आपको दिखाता हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पे सामने लगी है मऊ आनंद विहार और उसके बगल से अराइवल हो रही है आपका अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस। अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस तो भाई आगे की साइड भाई बिल्कुल यहाँ पे कोई भी जनरल क्लास देखने को नहीं मिलेंगे। साबरमती एक्सप्रेस भाई ट्रेन जो है ना वो अपनी आ चुकी है और आगे साइड कोई जनरल वगैरह नहीं लगा है। तो फिलहाल चलते हैं AC में और फिर आपको आगे जो है ना वो जर्नी करके दिखाता हूँ। बिल्कुल जो है ना अभी हम लोग B1 में है और बाकी भाई पीछे जनरल बहुत ज़्यादा पीछे था, वैसे मैं जा नहीं पाया उस जर्नी में, वैसे ट्रेन जाते थे ट्रेन भी चल लेती। फिलहाल चलिए बोर्ड किया है B1 में और फिर आगे आपको पूरी जो जर्नी है ना वो दिखाना है नई रेल लाइन पे। वैसे सोचा था कि अगर जनरल क्लास में अगर रहता तो भाई बहुत सही रहता, क्योंकि बाहर का जो है ना वो दिखाने के लिए। फिलहाल कोशिश करेंगे बाहर से जो है ना वो गेट पर जाकर सब कुछ ऐसा है इसका B1 क्लास, काफ़ी चार्जिंग सॉकेट वगैरह जो है ना वो सब कुछ है। सामने भी आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाएंगे कई सारे। बिल्कुल जो ट्रेन है ना वो चल रही है। नारियल बोलिए 10 रुपये। बिल्कुल जो ट्रेन है ना वो प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे से निकल रही है मऊ जंक्शन। आपको नानी नहीं पिएगी? हम तो रेल विभाग में नहीं पिएगी नानी, थोड़ा करेंगे। ये सब लाइन में काम कराया हुआ है, छोटी लाइन से बड़ी लाइन। हाँ छोटी लाइन हो गई है, छोटी नहीं है अभी तो बड़ी लाइन हो गई। सड़क से लेकर गोपालगंज बड़ी लाइन हो गई, छोटी लाइन से बड़ी लाइन में वो ब्रजकिशोर हाल्ट है ना। हाँ वहाँ से करीब है, मोहम्मदपुर से सटा तो है ये ब्रजकिशोर हाल्ट, वहाँ से 2 किलोमीटर है उसी रूट पे है। पैदल ही चला हुआ है हम लोग तो उसी रूट पे है। काम के दरमियान जो है फॉर्मली आप कुछ मैकेनिकल की पढ़ाई भी किए हैं कि मतलब ITI की? कितने स्टाफ हैं कंपनी में? 100 स्टाफ। वहाँ तो छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ हैं। बिल्कुल अपनी जो ट्रेन है ना वो नई लाइन पे ही जा रही है। चलिए दिखाता हूँ आपको पूरी नई लाइन पे ट्रेन यात्रा।
वैसे ट्रेन पता नहीं क्यों नहीं धीरे से मिली है, वैसे यहाँ पे स्पीड जो है ना वहाँ पे स्पीड पहले CRS के टाइम ऑन 30 किलोमीटर जो है ना वो ट्रेन चली थी, लेकिन अभी फिलहाल बहुत ही स्लोली स्लोली जो ट्रेन है ना वो स्किप कर रही है। चलिए फिर भी आप देखिए कब तक कहाँ से जो है ना वो कौशन लगी है इस रूट पर। कुछ पैसा भी कमाना है उसी में, कुछ फास्ट गाड़ी, कुछ प्राइवेट गाड़ी, कुछ और मिला जुला। Thank you.